हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, dy अपॉन dx प्लस p इंटू y इज इक्वल्स टू y टू द पावर n इंटू q। मतलब आप जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं dy अपॉन dx प्लस इस टाइप की होती है, आपको पढ़ा होगा इससे पहले। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy अपॉन dx प्लस p इंटू y इज इक्वल्स टू q। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन कैसे आता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख सकता है। सो इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, और फिर आप सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन और प्लस c। ये होता है सोल्यूशन। तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे इस बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ dy upon dx plus p into y, मतलब p की वैल्यू यहाँ पर 1 upon x है, q की वैल्यू यहाँ sin x है, और यहाँ y टू दी पावर n की जगह है y टू दी पावर 2, मतलब n की वैल्यू 2 है, समझे? अब इसको आप देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन में ही इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले आप यहां जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पर आपको सिर्फ q बचाना है और y टू द पावर n जो है उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। मतलब कि हम इस इक्वेशन को वन नंबर दें तो हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय y टू द पावर 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y टू द पावर 2 है इसलिए हम इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यहाँ जब आप y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक y कैंसिल होकर बचेगा x इंटू y इज इक्वल्स टू साइन x। ओके, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। आपको क्या ले लेना है, 1 अपॉन y को एक न्यू वेरिएबल ले लेना है v, जिससे यहाँ पर 1 अपॉन y जो है वो v बन जाएगा और v में आपका ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ये फॉर्म बनेगा, जब ये y में है इधर v में बन जाएगा। तो हमने लिया 1 अपॉन y को v, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये कितना आएगा, y ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, x की, यहाँ दोनों तरफ करेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 आगे आ जाएगा और y की पावर 2 हो जाएगी माइनस 2 और dy अपॉन dx और ये बचेगा dv अपॉन dx। इससे आप देख सकते हैं कि dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई है, ये माइनस साइन रहेगा और 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन v और x में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, v और x में ये इक्वेशन आ जाएगी। सो जब आप वैल्यू रखेंगे इसमें v का और dv अपॉन dx का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस dv अपॉन dx और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन x ऐसे ही रहेगा और 1 अपॉन y की जगह क्या लिख देंगे, v इज इक्वल्स टू साइन x। सो ये जो इक्वेशन बनी है आप माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, सो ये इक्वेशन आपकी आ गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p की वैल्यू कितनी है, इसको आप कंपेयर करिए इससे। ठीक है, किस फॉर्म में है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q, सो p की वैल्यू यहाँ आपको मिलेगी माइनस 1 अपॉन x और q है हमारा माइनस
माइनस साइन एक्स। अब आप निकालिए आईएफ, क्योंकि सॉल्यूशन इसका यही होता है, तो आईएफ निकालेंगे। आईएफ होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। और आप जानते हैं वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, सो ये हो जाएगा लॉग एक्स। और माइनस वन है यहाँ पर, माइनस वन को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन। लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक्स टू दी पावर एम, लॉग एक्स टू दी पावर एम को आप लिख सकते हैं एम लॉग एक्स। सो ये हो गया हमारा ई और लॉग कैंसिल और ये एक्स इनवर्स आ गया, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया वन बाई एक्स। ठीक है, दिस इज अवर आई एफ। अब आप लिख सकते हैं सोल्यूशन जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है उसका, क्योंकि पहले हमने क्या किया है बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है और फिर हम लिख रहे हैं इसका सोल्यूशन। सो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ये, सो देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको नंबर दे दीजिए टू। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू का सोल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वाई यहाँ रहता है वहां वी है, तो वी इंटू आई एफ, आई एफ कितना है वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस साइन एक्स, इंटू आई एफ वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, अब आपको क्या कर लेना है, जस्ट आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो इंटीग्रेशन आप जानते हैं किस तरह से करते हैं, उसी तरह से आप कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन और v की वैल्यू रख दीजिए। v हमने क्या लिया था वन अपॉन वाई, तो यहाँ v की वैल्यू रख देंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का प्लस सी। तो यही सोल्यूशन होगा, ओनली यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन और उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस बीएससी क्लास के आप देख सकें। थैंक यू।